एक और डीआई का क्वेश्चन है, ये लाइन ग्राफ कहलाते हैं। इस तरह के सवाल जो होते हैं वो लाइन ग्राफ कहलाते हैं। इसमें लाइन से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसमें दिया गया है क्वांटिटी ऑफ व्हीट एक्सपोर्टेड, यानी जितनी भी गेहूं हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं। तीन कंपनियां हैं, ए बी और सी। तो 2002 में कितना भेज रहे हैं, ए बी सी कितना भेज रहे हैं, 2003 में कितना भेज रहे हैं, 2004 में कितना कर रहे हैं, 2005 में कितना कर रहे हैं, 2006, 7 और 8 में ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। पहले तो हमें आना चाहिए डेटा रीड करना कि किसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। जैसे 2002 में ये जो गोले बने हैं ये ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ट्राइंगल जो है वो बी है और जो स्क्वायर है वो है सी, ठीक है। इसका मतलब 2002 में ए ने कितना किया है, 300 और 400 के बीच में ये एक जो है वो 100 के बराबर है। तो जब इसके बीच में आ रहा है ये गोला, तो ये होगा इन दोनों का आधा, और इन दोनों का आधा कितना होगा, 350। 300 और 400 के बीच में कितना होगा, 350 होगा, क्योंकि जब ये पूरा 100 है तो आधा 50 हुआ, तो 300 के ऊपर 50 कितना हुआ, 350, ठीक है। 2002 में सी जो स्क्वायर बना हुआ है ये 400, ये लाइन पे, ठीक है। बी जो है वो 500 है। इस तरह से हम डेटा रीड करते हैं, ठीक है। अब 2004 का बताइए, एक एक करके लिखते जाते हैं। 2003 में कितना है, 2003 बी का है 400, ठीक है, ए का है 500 500 और 600 600 और 500 के बीच में, साढ़े पांच सौ तो ये 550 हो गया, ठीक है। इस तरह से हमें आगे करना होगा, ठीक। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ये अलग अलग साल दिए हैं, ये दिया है कि कितनी क्वांटिटी 1000 टन्स में कितनी बिकी है, एक्सपोर्ट हो गई है, ठीक है, मेरे बाहर गया है हमारा, ठीक है। ये अच्छा, द परसेंटेज राइज, यानी बढ़ोतरी की बात हो रही है, परसेंटेज राइज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट जो हमने किया है फ्रॉम प्रीवियस ईयर, पुराने साल से नए साल में, वाज अ मैक्सिमम ड्यूरिंग विच ईयर ऑफ द कंपनी बी, यानी बी की बात हो रही है और ये पूछा जा रहा है कि पिछले साल से इस साल में, प्रीवियस का मतलब होता है पिछला साल, यानी हम पिछले साल की बात कर रहे हैं, किस साल में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है एक्सपोर्ट की, ठीक है। तो बढ़ोतरी कैसे निकालेंगे, इंक्रीज हम देखेंगे, ठीक है। पहली बात तो हम ये देखेंगे कि किस किस साल में बढ़ा है, किस किस साल में कम हुआ, वो तो मतलब ही नहीं है हमको, सब साल, ठीक है। तो बी जो है हमारा किस किस साल में बढ़ा है, इस साल में जो कम हुआ है तो ये तो हमारा काम का नहीं, 2003 की बात नहीं करनी है, ठीक है। 2004 में बढ़ा है, 2005 में बढ़ा है, 2006 में बढ़ा है, फिर कम हुआ है तो इनकी भी नहीं जरूरत है, ठीक है। तो यानी ये 3 साल के हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना होगा, और परसेंटेज इंक्रीज हम कैसे निकालते हैं, 2004 में 3 के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है, ये है 400, तो ये कितना है 600, तो यानी 200 की बढ़ोतरी हुई है 2004 में, 200 की बढ़ोतरी हुई है किसके हिसाब से, पुराने साल के हिसाब से, यानी 400 के हिसाब से, into 100, यानी 50% या 0.5 कह सकते हैं, 50% बढ़ाए, या हम उसे पॉइंट्स में लिखते तो उससे हमें आसानी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिर पूछा गया है 2005, पहले तो हमें ये देख लिया था इन सालों में तो निकालने की जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि सब में कम हुआ है, ठीक है। अच्छा, 2005 में कितना हुआ है, 2005 में हुआ है 800, देखिए ये था हमारा 500 और ये हो गया 800, सॉरी सॉरी, ये हुआ है 400 के हिसाब से निकालेंगे, 600 से 800, तो 200 ही बढ़ा है, लेकिन किसके हिसाब से, 600 के हिसाब से, तो ये कितना हो गया, 33%, 33.33%, या फिर 0.33। क्यों हम ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि हम 50% को वैसे लिखते हैं, 50/100 तो ये 0.5 हो जाता है। ऐसे ही 33.33% को हम कैसे लिखते हैं, परसेंट हटाते हैं
अपॉन 100 कर देते हैं, ये मैंने परसेंटेज क्लास में सिखाया था आपको, ठीक है। तो 100 का जीरो बन जाते हैं और ये दो जीरो हटाएंगे तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा जीरो पर, ठीक है। हम 2006 में देखेंगे, 2006 में 2005 के हिसाब से, ठीक है। 2006 में हमारा है 900 माइनस कितना 800 यानी 100, और किसके हिसाब से 800 के हिसाब से, तो 100 अपॉन 800 इनटू 100 12.5%, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.12। नहीं, मैंने इसमें ये